हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, अक्सर हम घरों में नॉर्मल रोटियां तो खाते ही हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं रुमाली रोटी विद सोया चंक्स करी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक फैले मुँह का बर्तन। नॉर्मली हम घरों में परात ही इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले हम दो कटोरी यहाँ पर मैदा डालेंगे। तो मैदा आप किसी भी जैसी भी आप घरों में कटोरियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा ली है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीब हम आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और एक चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर ऐड करने के बाद दोस्तों, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें, जिससे कि इसका जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, इसलिए आप इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें। और उसके बाद हम इसे हाथ से अच्छे से तेल को इसमें मिला देंगे, जिससे कि हमारा जो, जिसे मोमन बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, वही हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें तेल को अच्छे से मिला दिया है हाथ से। उसके बाद हम इसे पानी से बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, हम इसे गूंथेंगे दूध से। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास दूध लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इसे ऐड करते जाएंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध को डालेंगे। आपको इसे टाइट बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, थोड़ा सा जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से आपको इसका आटा लगाना है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसी तरीके से अपने आटे को लगा लेंगे, और फाइनली इसे एक डो के रूप में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैदा है वो एक डो का रूप ले चुकी है, अच्छे से हमारा फाइन डो गूंथ कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक बर्तन से ढककर रख देंगे। तो हमारी मैदा अच्छे से गूंथ गई है। दूसरी तरफ हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कटोरी इसमें सोया चंक्स डाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर छोटे वाले सोया चंक्स लिए हैं, बड़े वाले नहीं लिए हैं। तो आप इसी तरीके के सोया चंक्स, 2 कटोरी मैंने यहाँ पर सोया चंक्स डाल लिए हैं, और उन्हें पानी के साथ अच्छे से उबाल लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जिससे कि जो हमारे सोया चंक्स हैं वो फीके ना रह जाएं, इसलिए हम यहाँ पर आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सोया चंक्स हैं वो हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ इतने हमारे जो सोया चंक्स हैं वो उबल कर तैयार होंगे, इतने हम दूसरी तरफ इसे छौंकने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमारे सोया चंक्स हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो हम इसे एक छेद के बर्तन में डाल लेंगे, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो दोबारा से हम सब्जी को छौंकने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज को छोटा छोटा चॉप्ड करके मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो अच्छे से भून चुकी है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, हम एक बर्तन में 2 ग्लास के करीब पानी लेकर उसमें हम चाय पत्ती डाल देंगे, और उसे बॉईल होने के लिए हम रख देंगे। तो दूसरी तरफ हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से भून रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर करी। टमाटर में मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने इसी में ग्राइंड कर लिया था, इसलिए हम अलग से उसे नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टमाटो करी को मैंने अच्छे से यहाँ पर मिला लिया, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल मसाला ना छोड़ दे। और टमाटर को पकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो होता है नमक। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से जो हमारा मसाला है वो अच्छे से गल जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कि टमाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो सब्जी का जो हमारा कलर है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इसे ज़रूर डालें। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इसमें कितने अच्छे झाग बनने शुरू हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो भी एक अलग ही लुक दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो भूनकर तैयार हो गया है, और तेल बिल्कुल मसाले से सेपरेटली निकल रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर देगी मिर्च डाली है जिससे कि कलर अच्छा आए मसाले का, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, और मैंने यहाँ पर दो चम्मच जो डाला है वो डाला है धनिया पाउडर। इसमें जो धनिया की क्वांटिटी है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे जिससे कि हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो किस तरीके से कलर दे रहा है, ये बिल्कुल रेड हो गया है आप देख सकते हैं, और हमारा मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स। सोया चंक्स को मैंने पहले ही एक जाली वाले बर्तन में डालकर इसका जो पानी था वो निकाल लिया था जिससे कि उसमें डालेंगे तो वो अपने आप ही सारा पानी छोड़ देगा, इसे ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें जो हमारी सोया चंक्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अपने मसाले के साथ इसे सोया चंक्स को अच्छे से मिला देंगे जिससे कि मसाले की जो एक कोटिंग है, एक लेयर है, वो अच्छी तरीके से सोया चंक्स के ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो चुकी है सोया चंक्स के ऊपर। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लिड से कवर कर दिया है और जो हमारी सोया चंक्स हैं उन्हें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से जो मसाले की कोटिंग है वो सोया चंक्स के ऊपर आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमें नॉर्मल इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जो हमने चाय पत्ती का पानी उबाला था वो हम अब इसमें एक छलनी की हेल्प से इसमें सारा हम ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी आप बिल्कुल नहीं डालना वरना जो सोया चंक्स का टेस्ट है वो अजीब सा हो जाएगा, इसलिए वही पानी हमें इसमें ऐड करना है। हम सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले के साथ अपनी करी को मिलाकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम लिड से कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुकी है और जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है, हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो गई है और तेल भी हमारी सब्जी से सेपरेटली निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से काट कर ऐड किया है और थोड़ी सी हम यहाँ पर कसूरी मेथी को हाथ से हल्का सा क्रश करके सब्जी के ऊपर से स्प्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। मैंने यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी मैदा हमने गूंथ कर तैयार की थी इसे दोबारा से हम हाथ से थोड़ा सा मल लेंगे जिससे कि जो हमारी रोटियां हैं वो बिल्कुल फूली फूली और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध और लिया है और एक बार इसे दोबारा से अच्छे से मैदा को गूंथ लिया है और थोड़ा सा पटक पटक कर हम इसे गूंथेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा पटक पटक कर गूंथेंगे तो हमारी जो रोटियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैदा को गूंथ लिया है और फिर दोबारा से 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा आटा भी अच्छे से तैयार हो चुका है गूंथकर, तो अब हम रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर उल्टा करके गैस के ऊपर रख दिया है जिससे कि उसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल इसकी तले पर लगे, इसे मैंने इसे उल्टा करके रख दिया है और उसे हाई फ्लेम पर हम करके छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आटा है वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है रोटी बनाने के लिए। हम इसे एक बार दोबारा से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और एक नॉर्मल सी रोटी के लिए जो हम लोई तोड़ते हैं इस तरीके की हम छोटी सी लोई हम इसके लिए तोड़ेंगे। ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है, बहुत पतली सी छोटी सी हम इसमें लोई लेंगे और उसे इस तरीके से हम 3 से 4 बार पटकेंगे और फिर थोड़ा सा इस पर मैदा लगाकर हम रोटी की तरह इसे बेलेंगे। जो हमें रोटी बेलनी है वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए, उसे हम पूरा अच्छे से पतला सा बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कढ़ाई है वो भी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक का पानी ऊपर से स्प्रेड करेंगे। नॉर्मल पानी स्प्रेड नहीं करना है, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे उसके ऊपर से स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से रोटी को नॉर्मली हाथ से थपाते हुए हम उसे कढ़ाई के ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने कढ़ाई के ऊपर रोटी डाली और इस तरीके से आप एक सूती कपड़ा लेके उसे हल्का हल्का प्रेस करके रोटी को दूसरी तरफ के लिए हम ऐसे ही पलट देंगे। आप किसी भी बर्तन करछी वगैरह की हेल्प से रोटी को इस तरीके से पलट सकते हैं और सेम प्रोसेस करते हुए हम दोबारा से रोटी को इसी तरीके से सूती कपड़े से ऐसे ही प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रुमाली रोटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रोसेस से हम और रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी प्रोसेस से मैंने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इसे बटर घी किसी से भी लगाकर आप इस तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। प्याज हरी मिर्च या कोई भी चटनी लगाकर आप इस तरीके से किसी भी मेहमान के आगे अगर अपनी इस रेसिपी को सर्व करेंगे
तो मेहमान आपकी तारीफ करे बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का टाइम है, अगर आपको कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं लगता है तो आप इस तरीके से मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ट्राई करें, आपके घर वाले इसे जरूर पसंद करेंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।